हेलो गाइस, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आप जो इसमें अपना गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट है उसमें आप कैसे उसमें साइन अप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे इसमें अपने जो प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको शो रहा होगा, हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट्स पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका आपका ये टैब ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऐड करना है या फिर आपको जो है प्रोडक्ट्स फीड के थ्रू यहाँ पे ऐड करना होगा। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। सिंगल प्रोडक्ट आप कैसे ऐड कर सकते हैं पहले एक बार ये देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा आपको यहाँ पे जो है फॉर्म शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपनी डालनी होगी। कंट्री ऑफ सेल, कहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। इंडिया में सेल कर रहे हैं तो इंडिया में होगा। गूगल और लैंग्वेज जो है आपकी, गाइस यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करना है, हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। डेस्टिनेशन सरफेस ऑफ अक्रॉस गूगल, गूगल की जो आपका ये वाला जो शॉपिंग का आपका सरफेस है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट अपना लिस्ट करना, तो यहाँ पे टिक मार्क इसको रहने दे देंगे। ठीक है, दिस प्रोडक्ट, अगर इसका कोई मतलब यूनिक आइडेंटिटी है तो वो भी हम यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पे GTN नंबर होगा या फिर UPC, जो भी आपके यहाँ पे प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसकी जो भी आपकी प्रोडक्ट की आईडी होगी वो आप यहाँ पे इसमें मेंशन करेंगे। मान लीजिए कुछ भी मेरा प्रोडक्ट की आईडी है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे प्रोडक्ट की आईडी है, फिर SKU नंबर है, वो यहाँ पे डाल देंगे। टाइटल पहले यहाँ पे एक प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपका ये हाई लैपटॉप की वेबसाइट है, इन्होंने अपना जो प्रोडक्ट इसमें लिस्ट कर रखा है। ठीक है, एक बार इसकी जो है इमेज भी यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इमेज यहाँ पे जो है इसकी सेव कर लेता हूँ। और गाइस देख सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे उस पर क्लिक किया तो मैं इनकी वेबसाइट पे भी यहाँ पे ट्रैफिक में कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी आपके जैसे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेगा जो आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे आएगा, तो आपका फ्री में जो है ट्रैफिक भी यहाँ पे इंक्रीज होगा वेबसाइट का। ठीक है, यहाँ पे इमेज मैंने सेव कर लिया। प्रोडक्ट टाइटल जो है आपको गाइस पूरा यहाँ पे जो है इंक्लूड करना है इसमें, प्रोडक्ट का नाम और वो कितने स्पेसिफिकेशन अगर आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो तो ज़रूर इंक्लूड करेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी काफ़ी इसमें मदद होती है। ठीक है, मैंने टाइटल यहाँ पे डाल दिया 150 करेक्टर्स का जो है, आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हो उस पर। ब्रांड का यहाँ पे हम डाल देंगे, ब्रांड कौन सा है, HP का ब्रांड है। डिस्क्रिप्शन, छोटा सा डिस्क्रिप्शन अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना हो। तो ऐसे छोटा सा यहाँ पे हम कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं, जैसे मान लीजिए यही हम उठा के फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, 5000 वर्ड का आप यहाँ पे डाल सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं डिस्क्रिप्शन इसमें डाल देता हूँ। जैसे आपका ये डिस्क्रिप्शन है, ये की फीचर्स यहाँ से उठा के मैं इसमें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब लैंडिंग पेज का लिंक, तो जो भी आपकी वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा, जो भी प्रोडक्ट का लिंक होगा। ठीक है, इस लिंक आपको बिल्कुल करेक्ट डालना है ताकि आपके वो जो लैंडिंग पेज होगा प्रोडक्ट का उसी पे लैंड करे जाके। मान लीजिए जैसे हमारा ये है, ठीक है, इस लैंडिंग पेज का ये हमने डाल दिया। और लैंडिंग पेज का अगर वैसे आपको प्रोडक्ट का कैसे बनाना है तो वो आप लैंडिंग पेज के मॉड्यूल में भी जाके देख सकते हो कैसे आप उसमें पेजेस डिज़ाइन कर सकते हो सिंगल उसके लिए। अब इमेज लिंक की बारी आती है, तो मैं यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करूँगा। ठीक है, इस इमेज यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी इमेज जो है अपलोड हो गई। अब इसमें हमें जो है प्राइस अपना यहाँ पर डालना होगा, जैसे मान लीजिए 36,000, 999 का ये लैपटॉप है, तो हमने यहाँ पे प्राइस डाल दिया। अगर आपकी जो करेंसी चेंज करना चाहते हैं, US डॉलर में भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हम इंडिया में यहाँ पे इसमें करेंगे तो होगा। अवेलेबिलिटी, अवेलेबल फॉर ऑर्डर इन स्टॉक, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, आउट ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पे आप इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी मैनेज कर सकते हो।
कंडीशन न्यू है या फिर आपका रिफर्बिश्ड है या फिर यूज लैपटॉप है, तो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। आई हैव एन अपैरल प्रोडक्ट, अगर आपका मतलब कोई जैसे क्लोथिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो वो आप इसमें यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अगर यहाँ पे सेलेक्ट करो तो कलर, उसका मटेरियल, एज ग्रुप, जेंडर और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हो पूरा डिटेल्ड में। अब उसके बाद गाइज बारी आती है शिपिंग की, शिपिंग भी यहाँ पे हम जो है सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, इससे यहाँ पे जो है शिपिंग हमें ऐड करनी होगी। जैसे मान लीजिए हम इंडिया में ही उसमें कर रहे हैं, करेंसी इतनी हो गई, आपके यहाँ पे डिलीवरी टाइम, हैंडलिंग टाइम आप यहाँ पे डाल सकते हो, मतलब कब जो है आपका प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा पूरा डिलीवर। तो मान लीजिए हम यहाँ पे डाल देते हैं, मंडे टू फ्राइडे के अंदर यहाँ पे डिलीवर होगा 3 से, ठीक है, 3 से 5 दिन के अंदर यहाँ पे आपका ये जो है डिलीवर हो जाएगा। शिपिंग रेट्स आप यहाँ पे इस पे ऐड कर सकते हो, कैसे आपको डालना है। यहाँ पे सर्विस का नेम डाल देते हैं पहले, ऑल ओवर इंडिया, अगर आप प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसमें जो है ट्रांसिट टाइम भी इसमें डाल सकते हो, तो ट्रांसिट टाइम यहाँ पे डाल देते हैं। मान लीजिए अगर हमारा कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाती है, अगर उसमें आपका जो है डिले हो रहा है, तो यहाँ पे डाल दिया हमने। फिर बारी आती है यहाँ पे आपकी शिपिंग रेट्स की। ठीक है, अगर आपको सिंगल ही रेट रखना सारे ऑर्डर्स का, तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे फिक्स रेट है हमारा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ हम उस पर लेते हैं, तो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये डाल दिया। अगर आपको ऑल प्रोडक्ट्स पे रखना तो वो भी रख सकते हो आप, अगर आपको फिल्टर करना तो फिल्टर भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है हम अपना जो प्रोडक्ट जो भी आपने यहाँ पे पूरा यहाँ पे वो फिल किया होगा, उसको आपको यहाँ पे सेव करना होगा। ओके, सो यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिखा रहा है, पहले आपको जो वेबसाइट जो आपने क्लेम भी यहाँ पे करनी होगी, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपको सिंपल अपना गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट जो जैसे अभी आपने लॉग इन कर रखा है, उससे आपको अपना वेरीफाई करना होगा। आपकी जैसे ही वेरीफाइड जो भी वेबसाइट होगी, वेरीफाइड होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव करना होगा अपना प्रोडक्ट को। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है यहाँ पे आपका पब्लिश हो जाएगा गूगल सर्फेस शॉपिंग के अंदर। तो प्रोडक्ट यहाँ पे अप्रूव होने के बाद यहाँ पे आपका जो है प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो सिंपल सा आपका ये कि यहाँ पे आपको जो अपना कैसे प्रोडक्ट्स इसमें ऐड कर सकते हो। एक बार मैं बैक पे आ जाता हूँ दोबारा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको अपना यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो था इंडिविजुअल प्रोडक्ट अपना ऐड किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट है, आप उनको फेच करना चाहते हो किसी फील्ड के, मतलब कोई भी आपकी शीट है, स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट पे आपने प्रोडक्ट्स लोड कर रखे हैं, तो वहाँ से अगर आपको फेच करना है तो यहाँ से हम इस ऑप्शन से करेंगे। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो कंट्री है वो सेम ही रहेगी, और लैंग्वेज आपका यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। सरफेस अक्रॉस गूगल पे आपको डिस्प्ले करना। ठीक है, प्राइमरी फीड नेम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल दें गूगल शीट के थ्रू फेच करना, तो आप वो भी कर सकते हैं, उसका अलग से जो फॉर्मेट होगा वो भी आपको इसमें दिख जाएगा। अपलोड अगर आपको करना है वो भी कर सकते हैं, कंटेंट किसी थर्ड पार्टी एपीआई के थ्रू अगर आपको जो है प्रोडक्ट उसमें फेच करना, जैसे कि एपीआई भी अमेजन भी अपना एपीआई देता है, वहाँ से भी फेच कर सकते हैं, शेड्यूल्ड फेच या फिर। ठीक है, इस तो गूगल शीट में यहाँ पे हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे। ठीक पॉपअप को एक बार जो है अलाउ कर देते हैं।
ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पे जो है गूगल शीट अगर आपके अकाउंट में होगी तो वहाँ से आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप अपना जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे अपनी जो गूगल शीट होगी आपके पास, वहाँ से आप इसमें प्रोडक्ट फेच करके यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्मेट आपको इसमें मिल जाएगा, और हम जो इसका डमी जो सैम्पल शीट होते हैं वो हम इसमें गूगल ड्राइव के फोल्डर में भी अपलोड कर देंगे। वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो कैसे इसमें आप जो प्रोडक्ट फीड करेंगे कैसे आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा जो आपका ये टॉपिक था गूगल मर्चेंट और गूगल शॉपिंग एड्स का कवर हो गया। इसमें आप इसमें जाके प्रोडक्ट अपने स्टार्ट कर सकते हैं, लिस्टिंग करना फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको लिस्टिंग मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपका थोड़ा बहुत जनरेटिंग ट्रैफिक है वो भी एक्स्ट्रा जनरेट इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।